फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है। ए का अर्थ बोला गया जोड़, बी का अर्थ गुणा बोला गया, सी का अर्थ यहाँ पर घटाना बोला गया, डी का अर्थ विभाजन बोला गया है। तो यहाँ पर सभी को समीकरण को यहाँ पर साइन को चेंज करने के बाद सॉल्व करते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 15 × 30 हो जाएगा, माइनस में 30 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 16 × 64, यह भी माइनस में हो जाएगा। 64 और 30 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, माइनस का ये 94 हो गया। इतना सॉल्व करने के बाद, इतना सॉल्व कर लिए, उसके बाद इधर देखिए 23 से डिवाइड करेंगे तो ये 21 × 483 चल जाएगा। और इसके बाद प्लस का 93, इन दोनों को ऐड करते हैं और इसमें से 94 घटा देंगे। 3 × 1 = 4 और 9 × 2 = 11, 114 में से 94 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 20 बच जाएगा, जो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सभी रैंकिंग में सर है तो पहले रो में देखिए क्या क्या दिया हुआ है। इस रो में यहाँ पर सॉरी, यहाँ देखिए 3 और सभी में 3 तो हो गया। उसके बाद देखिए दूसरे रो में 1, 5 और 4 देंगे, 1, 5 और 4, इन तीनों में से पहले कौन होगा। देखिए एन नीचे में देखिए एन ओ है और आई है, लेकिन यहाँ पर देखिए ई है, तो पहले ई वाला पार्ट आ जाएगा, यानी कि एक नंबर आ गया। उसके बाद देखिए इस तीसरे रो में 2 नंबर 1 नंबर और 5 नंबर, दो एक तो हो चुका था, हमें 2 और 5 चेक करना है। देखिए दोनों में यहाँ पर ओ से शुरुआत हो रहा है और यहाँ पर आई हो रहा था, पहले आई वाला पार्ट आ जाएगा, यानी कि 3, 1 के बाद क्या हो जाएगा, 5 नंबर हो जाएगा। तो अगर देखते हैं इतना से मिलता है कि नहीं, देखिए 3, 1, 5 इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिए 3, 1, 5 यानी केवल इतना ही चेक करने के बाद हमें मिल गया, तो यही टिक हो कर देंगे और चल देंगे, बाकी चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए आपको एग्जाम में ऑप्शन पर भी ध्यान बनाए रखना है, जितना जल्दी आप टिक कर देंगे उतना टाइम बचेगा। यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन देखें, सीरीज का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखें 27 से 41 कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर बढ़ रहा है 14 बढ़ रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 41 से 57 कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर बढ़ रहा है 16 बढ़ रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 57 से 76 कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर बढ़ रहा है 19 बढ़ रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 76 से 99 कितना बढ़ रहा है, 23 बढ़ रहा है। यानी कि आप ध्यान से देखें, यानी कि 14 से 16 कितना बढ़ा, 2 बढ़ा, 16 से 19 3 बढ़ा, 19 से 23 कितना बढ़ा, 4 बढ़ा, यानी कि अगला कितना हो बढ़ेगा, 5 बढ़ेगा, यानी कि 23 और 5 कितना हो जाएगा, 28, और 28 को हम ऐड कर देंगे 99 में तो कितना हो जाएगा, 127 हो जाएगा, यानी कि सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोडिंग का क्वेश्चन देखिए, एफ का कोडिंग के रूप में यहाँ पर देखिए एफ का जस्ट उल्टा लिखा गया, एफ का कोडिंग विपरीत लिखा गया, एफ का कितना होता है यू का 21 लिख दिया। उसके बाद देखिए ए का कितना लिखा गया, ए का यहाँ पर 4 लिखा गया, यानी कि कैसे लिखा गया, देखिए यहाँ पर ए का तो 26 होना चाहिए या तो 1 होना चाहिए, एक में अगर हम प्लस का 3 ऐड कर देंगे तो 4 हो गया। आगे देखते हैं एल का कितना होता है, एल का होता है 12, लेकिन यहाँ पर 15, यानी कि विपरीत लिखा गया है। उसके बाद देखिए एस का यहाँ पर कितना लिखा गया है, विपरीत 8 लिखा गया, एच का 8 होता है। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर ई है, ई का यहाँ पर देखिए कितना लिखा गया है, 8 लिखा गया, यानी कि 5 में अगर 3 ऐड कर देंगे तो 8 हो गया। अगर आप यहाँ ध्यान से देखें, देखिए यहाँ कॉन्सोनेंट के साथ जो है विपरीत लिख दिया गया है, और लेकिन भावेल के साथ यहाँ पर उसका अकॉर्डिंग और प्लस का 3 ऐड कर दिया गया, तो उसी प्रकार हमें चॉइस में करना है। तो इसको पहले मिटा देते हैं, देखिए यहाँ पर चॉइस का करते हैं, देखिए सी क्या है कॉन्सोनेंट, इसका विपरीत लिख देंगे, तो सी का कितना, एक्स का 24 हो गया। उसके बाद देखिए एच का कितना होगा, विपरीत लिख देंगे, एच का एस होता है, यानी कि 19 हो गया। उसके बाद देखिए ओ कितना है, ओ भावेल है, यानी कि इसका अकॉर्डिंग और प्लस 3 ऐड करेंगे, 15 × 3 = 18 हो जाएगा। उसके बाद देखिए आई क्या है, आई भी विपरीत है, यानी कि 9 × 3 = 12 हो जाएगा। उसके बाद सी का फिर से 24 हो जाएगा, और ई भवेल, भवेल में 5 और 3 = 8 हो जाने की, ऐसा ऑप्शन किसमें दिया हुआ है, 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए वेन आरेख का चयन करना है, इस ऐसा कृति किसमें बनेगा। अगर इसमें देखिए फर्स्ट ऑप्शन देखिए पालक सब्जियाँ आडू लिखा गया, यानी सब्जियाँ के अंदर में पालक भी आ जाएगा और आडू भी आ जाए, लेकिन इन दोनों के बीच कोई रिलेशन, यानी कि ये तो गलत हो गया। उसके बाद देखिए बुध ग्रह और शुक्र, यानी कि ग्रह के अंदर में क्या क्या आ जाएगा, ग्रह के अंदर में बुध भी आ जाएगा और शुक्र भी, यानी कि ये भी गलत हो गया। उसके बाद देखिए तीसरा व्यवसायी वैज्ञानिक और गायक, यानी कि कुछ गायक, देखिए कुछ गायक व्यवसायी भी हो सकते हैं और कुछ व्यवसायी वैज्ञानिक, इसका रिलेशन इस प्रकार बनेगा, ये भी गलत हो गया। उसके बाद 4th ऑप्शन देखिए महिला तैराक और पुरुष, यानी कि देखिए कुछ तैराक जो है तैराक कुछ महिला भी हो सकती है, यानी कि महिला को हम डब्ल्यू से वोमेन लिख देते हैं, और कुछ पुरुष भी हो सकते हैं, यानी कि मेन लिख देते हैं, यानी कि ऐसा रिलेशन बन रहा है जो ऊपर में, यानी कि 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, निशा जो दिलीप की पुत्र है, पहले निशा को नीचे लिख लेते हैं, निशा एन से, उसका दिलीप जो इसका पिता है, यानी कि दिलीप को हम डीपी से लिख लेते हैं। उसके बाद बोलती है निशा, वह देवेशी से कहती है, यानी निशा जो कहती है देवेशी, मानी कि देवेशी को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, देवेशी नहीं यहाँ पर लिख लेते हैं, देवेशी डी ई लिख लेते हैं, देवेशी को से कहती है तुम्हारी माँ रितु, यानी कि इसकी माँ कौन हो जाएगी, रितु, रितु को आर से लिख लेते हैं, यानी कि इसको माइनस करते हैं, माँ है इसलिए। उसके बाद कहती है तुम्हारी माँ रितु मेरे पिताजी की छोटी, यानी इसकी छोटी बहन है। उसके बाद बोला गया जो कृष्ण की दूसरी संतान है, कृष्ण ऊपर हो जाएगा तभी तो एक दिलीप संतान हो जाएगा और एक ऋतु संतान हो जाएगा, उसके बाद दूसरी संतान। उसके बाद कृष्ण का देवेशी से क्या संबंध है, यहाँ पर बोला गया कृष्ण का देवेशी से क्या संबंध है, यानी कि इसकी ये पुत्री हो गई और ये पोती कितनी नातिन हो जाएगी, यानी क्या ये नाना संबंध हो जाएगा, यानी कि 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, कागज को काटने और मोड़ने का क्रम दर्शाया गया, यानी कि इसको खोलने के बाद कैसा आकृति बनना चाहिए, यानी कि ऑप्शन में उसका देखना पड़ेगा, यानी ऐसा आकृति किस ऑप्शन से बनेगा। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन ले लेते हैं, देखिए यहाँ पर ये है, यानी कि इसको पलटनेंगे तो यहाँ पर ये जस्ट कैसा आ जाएगा, यहाँ पर बीच में आ जाएगा, यहाँ पर सामने में आ जाएगा, और इन दोनों को पलटेंगे तो यानी कि यहाँ पर एक पास में आ जाएगा और एक यहाँ पर दूर में आ जाएगा, यानी कि ऐसा आकृति बनेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए ऑप्शन में कितना है, यहाँ पर 8 ही 0 है, लेकिन यहाँ पर 4 हो गया, यानी कि ये गलत हो गया। उसका देखिए इसको पलटेंगे तो यहाँ नहीं ऐसा ये फिगर बनेगा, लेकिन इसमें भी 4 हो गया, ये भी गलत हो गया। नीचे ऑप्शन देखते हैं, और अगर हम थर्ड ऑप्शन को पलटेंगे यानी कि यहाँ पर एक आकृति बन जाएगा और एक आकृति यहाँ बनेगा और एक आकृति यहाँ बनेगा, इसको जस्ट पलटेंगे यानी ऊपर भी सेम 8 आकृति बन जाएगा, यानी कि ऐसा आकृति ये बनेगा, यानी कि टोटल 8 आकृति, यानी कि इसी प्रकार ये ऊपर था, यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कोडिंग सीरीज का क्वेश्चन देखिए, ई से क्यू कितना बढ़ रहा है, 12 प्लस का 12 है। उसके बाद देखिए क्यू से सी कितना है, यहाँ पर भी प्लस का 12, यानी कि आगे भी प्लस का 12 हो जाएगा, यानी कि सी में 12 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 15 का क्या होता है ओ हो जाएगा। उसके बाद देखिए आई से यू कितना बढ़ रहा है, आई का 9 और यहाँ पर 21, यानी कि यहाँ पर भी 12 बढ़ रहा है, तो हमें जी से भी 12 प्लस कर देंगे तो जी का कितना होता है 7 और उसमें 12 ऐड करेंगे तो 19 का कितना होता है एस होता है। उसके बाद देखिए एम से वाई कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर भी 12 बढ़ रहा है, तो के से भी हमें यानी कि सभी में 12 बढ़ रहा है, तो के का 11 उसमें 12 ऐड करेंगे तो 23 का क्या होता है डब्लू होता है, यानी कि ओ एस डब्लू फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन ब्लैंक आ गया है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए 3 किसी प्रकार से समान है और एक समान का चयन करना है। देखिए एन से टी कितना बढ़ रहा है, एन से कितना टी बढ़ रहा है, ओ पी क्यू आर एस टी, यानी कि प्लस का 6 बढ़ रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर डब्ल्यू से डी कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर प्लस का 7 बढ़ रहा है। एल से आर कितना बढ़ रहा है, एम एन ओ पी क्यू आर, यानी कि प्लस का 6 बढ़ रहा है। क्यू से डब्ल्यू कितना है, प्लस का 6, लेकिन बीच वाला ऑप्शन सेकेंड जो है यहाँ पर 7 बढ़ रहा है, यानी कि यही असंगत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए नुक में इजिल को इस प्रकार लिख दिया गया है, यहाँ पर देखिए द ब्राइट लाइट, यहाँ पर उस इसको इस प्रकार लिख दिया गया है, तो यानी पूछा क्या गया है लिट के बारे में, पूछा गया लिट को किस प्रकार लिखा जा सकता है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए लिट किस में है, देखिए लिट इसमें, देखिए यहाँ पर लिट दिस लाइट, यानी कि यहाँ पर अगर हम दिस लाइट को खोज निकालेंगे तो वो हमारा लिट मिल जाएगा आसानी से। देखिए दिस लाइट किस में है, दिस लाइट यानी कि देखिए इसमें लाइट मिल गया, लाइट का भी हमें खोजना पड़ेगा। देखिए इसमें के की में 2 है, यानी कि इसमें भी देखिए यहाँ पर भी मी मिल गया और यहाँ पर भी मिल गया, हमारा किसका मिल गया, ये हमारा लाइट का मिल गया, लाइट का क्या हो गया मी हो गया। उसके बाद हम बच गया कौन सा, अब दिस चेक करते हैं, दिस किस में है, देखिए दिस यहाँ पर, दिस इज ब्राइट, यानी कि दिस का देखिए यहाँ पर नुक की गन है, यानी कि हमें इसमें से कौन खोजना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर भी नुक मिल गया और यहाँ पर भी नुक मिल गया, यानी कि किसका मिल गया, ये मिल गया दिस का, दिस का क्या हो गया नुक हो गया, दिस का नुक हो गया, तो कौन सा बच गया, यहाँ पर लिट का बच गया, लिट का क्या हो जाएगा लिट का, यहाँ पर देखिए जिल बच गया, यानी कि लिट का क्या हो जाएगा जिल, यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सीरीज का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 81, यानी आपको ध्यान से देख रहा होगा ये सभी क्यूब या कुछ स्क्वायर लग रहा है। देखिए यहाँ पर 1 जो है, यहाँ पर 1 को मान के चलिए 1 है, सिर्फ 1 पावर रखते हैं। उसके बाद देखिए मान के चलिए इसको स्क्वायर रख देते हैं। उसके बाद देखिए 8 किसका होता है, 2 का क्यूब होता है। उसके बाद देखिए कि 81 कितना होता है, 81 जो होता है 9 का स्क्वायर होता है या 3 का पावर 4 भी हो सकता है। उसके बाद देखिए आगे कितना आ जाएगा, यहाँ देखिए सीरीज बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है आगे की तरफ, यानी कि यहाँ पर जो है कितना हो जाएगा 4 का पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2, यानी कि अगला कितना हो जाएगा 5, 4 का पावर कितना होता है 1024, यानी कि ठीक है सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए 5 का पावर कितना हो जाएगा 6, 5 का पावर 6 15625, यानी कि ये इसी प्रकार सीरीज बढ़ रहा है, यानी कि 4 का पावर कितना हो जाएगा 1024, यानी कि सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सभी को फिल इन द ब्लैंक्स को यहाँ पर फिल करना है, पहले इसको काउंट कर लेते हैं, इसमें कितना लेटर 15 लेटर, 15 का कितना पेयर 5 और 3 का, तो पहले बड़े से चेक कर लेते, देखिए 3 4 5 लास्ट में डबल पी है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 3 4 5 यहाँ पर भी पी आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी पी आ जाएगा, सभी 5 5 का पेयर बन गया। उसके बाद देखिए सबसे शुरुआत किससे हो रहा है, शुरुआत पी से हो रहा है, यानी कि पी यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद देखिए तीसरे डिजिट पर यहाँ पर क्यू हो जाएगा, यहाँ पर भी क्यू हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट रो क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी के बाद यहाँ पर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये भी क्लियर हो गया, उसके बाद पी बी, उसके बाद यहाँ पर क्यू हो जाएगा। तो सभी को फिल कर लिया, उसको लिख लेते हैं पी क्यू बी पी क्यू पी, यानी कि ऐसा ऑप्शन किसमें दिया हुआ, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एनालॉजी का क्वेश्चन, जिस प्रकार मोतियाबिंद नेत्र से संबंधित है उसी प्रकार मेनिएटर रोग किस प्रकार संबंधित है। देखिए मोतियाबिंद क्या है, नेत्र की एक बीमारी है, तो मेनिएटर रोग किसकी बीमारी हो जाएगी, कान की बीमारी होती है मेनिएटर रोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए सी से जे कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर बढ़ रहा है टोटल
सात बढ़ रहा है, प्लस का सात। उसके बाद देखिए यहाँ पर एन से यू कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर भी प्लस का सात बढ़ रहा है, क्योंकि एन चौदह होता है, चौदह में सात जोड़ेंगे तो इक्कीस होता है। उसके बाद देखिए के से आर कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर भी सात, यानी कि तीनों डिजिट में प्लस का सात, यानी कि एफ से भी हमें प्लस सात करना पड़ेगा, यानी कि कितना हो जाएगा एफ का इतना सात, एफ का छः और उसमें सात जोड़ेंगे तो तेरह, तेरह का कितना होता है एम होता है। उसके बाद देखिए जे का, जे में सात जोड़ेंगे दस सात सत्रह, सत्रह का कितना होता है क्यू होता है। उसके बाद देखिए एल में बारह, बारह होता है, बारह में सात जोड़ेंगे तो उन्नीस, यानी कि एस हो जाएगा। एम क्यू एस कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया हुआ है, एम एन एल ओ क्यू एच एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, क्यू और एच बीच में, तो पी क्यू और बी एच को बीच में लिख लिए। उसके बाद देखिए एम और एन पंक्ति के छोरों पर, यानी कि हम एम इस तरफ लिख लेते हैं और एन इस तरफ लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए एल जो है एन के बाएँ बैठा हुआ, यानी एन के बाएँ कौन बैठा हुआ, एल बैठा हुआ। उसके बाद कौन सा बच गया, ओ बच गया, तो वो यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद देखिए एम के दाएँ कौन बैठा, एम के दाएँ ओ बैठा हुआ, यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक को यहाँ पर बीच वाले संख्या का पता लगाना है। ध्यान से देखिए किस संख्या किस नीचे की तरफ ज़्यादा संख्या बढ़ रहा है, यानी कि हमें इन दोनों का रिलेशन करके तीसरा लाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर अगर हम 34 का, अगर हम यहाँ देखिए इकहत्तर में से हम क्या घटा देंगे, सैंतालीस घट से चौंतीस घटा देंगे, इकहत्तर में से चौंतीस घटा देंगे कितना हो जाएगा, ग्यारह में से चार गया सात और ये छः में से तीन गया तीन, सैंतीस, और इसमें से प्लस दस कर देंगे तो यहाँ बीच वाला संख्या सैंतालीस आ गया। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए लास्ट वाले संख्या में देखिए इकसठ में से तैंतालीस घटा देंगे, ग्यारह में से तीन गया कितना हो गया आठ और ये पाँच में चार गया एक, इसमें दस जोड़ देते तो कितना हो गया अट्ठाईस, यानी कि बीच में देखिए अट्ठाईस संख्या मिल गया, यानी कि हमें उसी प्रकार ये नीचे वाला संख्या का पता बीच वाला संख्या पर मिल जाएगा। तो बीच वाला संख्या क्या है, तैंतीस में से हम अठारह घटाते तो तेरह में से आठ कितना जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा पाँच, और उसके बाद ये दो में से एक और इसमें से दस जोड़ देंगे तो पंद्रह दस कितना हो गया पच्चीस हो गया, यानी कि बीच वाला संख्या हमें पता चल गया, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, फर्स्ट कथन देखिए सभी पेन पेंसिल, यानी कि सभी पेन जो है पेंसिल है, पेंसिल को हम पी सी से डिनोट करेंगे क्योंकि सभी को पी लिख देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। उसके बाद देखिए कुछ मार्कर पेंसिल है, कुछ मार्कर जो है पेंसिल, मार्कर को हम एम से डिनोट करते हैं। उसका निष्कर्ष देखिए सभी पेन मार्कर, यानी कि सभी पेन वाला जो है मार्कर के अंदर में आएगा, बिल्कुल नहीं आ रहा है, यानी कि फर्स्ट निष्कर्ष गलत हो गया। उसके बाद देखिए कुछ पेन मार्कर है, कुछ पेन जो है ये मार्कर के अंदर में आएगा, यहाँ पर हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, यानी कि ये अस्पष्ट, यानी कि ये भी गलत हो गया, तो यानी कि कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखिए लखनऊ को इस प्रकार लिख दिया गया है, उदयपुर को इस प्रकार लिखा गया है, तो ग्वालियर को इस प्रकार लिखा है। अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर देखें एल यू सी को यहाँ पर सी यू एल कर दिया, यानी पहले तीन डिजिट को पलट कर लिख दिया गया, उसके बाद बीच वाले संख्या को वैसा ही रहने दिया और लास्ट वाले तीन डिजिट को भी पलट कर लिख दिया गया, यानी कि हमें ग्वालियर भी उसी के साथ करना पड़ेगा। तो पहला तीन डिजिट पलटेंगे तो ए डब्ल्यू जी हो गया, उसके बाद बीच वाला क्या है एल हो गया, उसका तीन पलटेंगे लास्ट वाला तो आर ओ आई हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन किस में दिया, फर्स्ट ऑप्शन ही मिल गया जो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रस्ट्रेशन में इसमें कितने लेटर है, यहाँ पर टोटल तीन, तीन छः, तीन नौ और दो ग्यारह, ग्यारह लेटर का यहाँ पर ग्यारह लेटर लिख दिया। उसको देखिए टॉपिकल में कितना लेटर है, तीन, तीन छः, एक सात, यानी सात लेटर लिख दिया, यानी कि इसमें कितना लेटर, यानी उसी प्रकार हम लिख देंगे तो तीन, तीन छः, तीन नौ, एक दस, दस लेटर, यानी कि दस आंसर मिल गया जो फोर्थ ऑप्शन में दिया, वो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, यानी ऐसी आकृति किस ऑप्शन में नहीं थी, अगर फर्स्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पर, फर्स्ट ऑप्शन में देखिए यहाँ पर यह आकृति यहाँ पर तो दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर थोड़ा सा जो कट वाला पार्ट है, ये ऐसे वाला पार्ट जो इसमें नहीं मिल रहा है, यहाँ पर जो नहीं है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर देखिए उल्टा ही लगा दिया गया, यानी ये भी गलत हो गया क्योंकि आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं बोला गया। तो नीचे ऑप्शन देखते हैं, थर्ड ऑप्शन देखिए, थर्ड ऑप्शन में यहाँ पर घुमा दिए, ये भी गलत हो गया, फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा क्योंकि देखिए यहाँ पर ये आकृति पूरी तरह से नहीं थे और यहाँ पर थोड़ा सा देखिए कर्व यहाँ पर भी दिया हुआ था, यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दर्पण के दाएं ओर प्रतिबिंब रखने के बाद कैसा बनेगा, तो यहाँ पर देखिए एल वाला पार्ट इस तरफ से बन जाएगा, इसमें देखिए एल ठीक है, यहाँ पर बी आ गया, बी तो नहीं होना चाहिए, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, और देखिए लास्ट वाला भी ठीक है एल, उसके बाद देखिए एल के बाद ए ठीक है, उसके बाद देखिए आई भी ठीक है उसमें देखिए, उसके बाद देखिए यहाँ पर एम है तो यहाँ पर एल दे दिए, यानी कि ए भी गलत हो गया, यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में सुमन की आयु उसके बेटे की आयु की चार गुनी है, पाँच वर्ष पूर्व उसकी आयु को उसके बेटे की आयु की सात गुनी थी तो उसके बेटे की, तो यहाँ पर सबसे पहले आप डायरेक्ट इस प्रकार के क्वेश्चन को आप उसे नहीं बन सकता है समीकरण से, तो ऑप्शन पर कूद जाइए, मान के चलिए हम 16 ले लेते हैं, यानी उसके बेटे की आयु जो सन की आयु 16 वर्ष है, तो यहाँ बोला गया उसके बेटे की आयु से चार गुनी, यानी इसका चार गुना कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ क्या फादर हो गया उसका, उसके बाद बोला गया पाँच वर्ष पूर्व, यानी कि इसका पाँच वर्ष जाएगा तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, और 11 का कितना करना है यहाँ पर सात गुना, 11 का सात गुना कितना होता है सात गुना होना चाहिए, तो यानी कि 11 का सात गुना हो जाएगा 11 सत्तर 77 हो जाएगा, लेकिन हमें 64 से 5 यहाँ पर भी घटाना है तो 64 से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 59 हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो 77 आ गया, यानी कि 16 नहीं हो सकता। देखिए सेकंड ऑप्शन देखेंगे,
तो सेकंड ऑप्शन थर्ड ऑप्शन इसी प्रकार चेक कर लेंगे तो फटाफट मिल जाएगा। मान के चलिए हम 10 ले लेते हैं, यानी उसके बेटे की आयु 10 वर्ष ले लेते हैं और उसके फादर की आयु 4 गुना यानी कि फादर की आयु 40 हो गया। उसके बाद इसमें से दोनों में से 5-5 घटा देंगे क्योंकि 5 वर्ष पूर्व बोला गया है, यानी कि ये भी 35 हो गया और ये कितना हो गया 5, यानी 5 का यहाँ पर 7 गुना है, बिल्कुल दिया हुआ है, यानी कि 7 वर्ष 7 गुनी बोला था, यानी कि 10 ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है, बोला गया है एम क्यू का पुत्र कौन सा ऑप्शन बन सकता है। अगर फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, देखिए यहाँ पर डिवाइड डिवाइड का कौन सा ऑप्शन, देखिए ए बी का पिता है, यानी कि जो क्यू जो है एम का पिता है, यानी कि क्यू जो है एम का पिता, यानी क्यू जो है एम का पिता, और इस ऑप्शन में देखिए एम जो है क्यू का पुत्र है, एम जो है क्यू का पुत्र है, यानी कि दोनों रिलेशन तो ठीक ही बन रहा है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर 25 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 57 56 हो गया, यहाँ पर गुना 8 किया था, 13 से 8 गुना कर देंगे कितना होता है 13 8 104, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। देखिए यहाँ पर कोडिंग का, देखिए यहाँ पर सी से यहाँ पर क्यू ज़्यादा बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए सी फर्स्ट से यहाँ पर लास्ट में जाने का प्लस 1 हो रहा है, उसका देखिए एच से आई यहाँ पर भी प्लस 1 है, उसका देखिए ई से एफ यहाँ पर भी प्लस 1, यानी कि हमें फर्स्ट से लास्ट में जाना है उसी प्रकार, तो सभी में प्लस 1 करके, तो यहाँ पर कोड को भी हमें उसी प्रकार करना था, क्यू से लास्ट में जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 1 करके आर हो जाएगा, यू से क्या हो जाएगा भी हो जाएगा, उसके बाद देखिए ओ से क्या हो जाएगा पी हो जाएगा, उसका टी से ई हो जाएगा और ई से एफ हो जाएगा ना, यानी कि ऐसा किसी ऑप्शन में दिया हुआ है एफ ई पी भी आर, यहाँ पर देखिए सॉरी यहाँ पर ई नहीं यू होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए टी के बाद क्या हो जाएगा प्लस करेंगे तो यू हो जाएगा, तो एफ यू यानी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन देखिए, उस तीन संख्याओं के बीच वही संबंध नहीं है जो तीन संख्याओं त्रिक के संबंध बीच, यानी कि हमें वैसा संख्या चुना है जो तीनों के तीन संबंध है लेकिन एक असामान्य है। अगर हम मान के चलिए फर्स्ट संख्या देखते हैं, देखिए 23 का यह 3×69 हो गया और 23×5 यहाँ पर 115 होना चाहिए, उसके बाद देखिए यहाँ पर 17×3 51 यहाँ पर 3 गुना, उसके बाद देखिए यहाँ पर 17×5 50 यहाँ पर 5 गुना, उसके बाद देखिए यहाँ पर 19×3 57 और 19×5 95 बिल्कुल ठीक है, 13×3 39 और 13×5 65 यानी कि 3 गुना और 5 गुना हो रहा है, लेकिन फर्स्ट जो ऑप्शन है यहाँ पर देखिए 23×3 69 तो होता है लेकिन 23×5 115 होना चाहिए इसके जगह पर, यानी कि फर्स्ट ही असंगत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कोडिंग का क्वेश्चन, देखिए L से कितना बढ़ रहा है M यानी कि प्लस 1 बढ़ रहा है, उसके बाद देखिए यहाँ पर A का A ही रहने देगा, यानी कि हमें कॉन्सोनेंट में प्लस 1 करना है और वोवेल को वैसा ही रहने देना है, तो R क्या है कॉन्सोनेंट R से प्लस 1 करेंगे तो S है, उसका देखिए G कॉन्सोनेंट G से प्लस 1 करेंगे तो H हो गया और E तो वोवेल यानी कि वैसा ही रहने देगा, उसी प्रकार W का क्या हो जाएगा W से एक प्लस करेंगे तो X हो जाएगा, लेकिन A तो वोवेल यानी कि एक उसी प्रकार रहने देंगे, T से क्या हो जाएगा T से प्लस 1 करेंगे तो U हो जाएगा, उसके बाद देखिए E क्या है E को उसी प्रकार रहने देंगे और R से एक प्लस कर देंगे तो S हो जाएगा, यानी कि X A U E S यानी कि फोर्थ ऑप्शन ने दिया हुआ जो करेक्ट हो जाएगा। जीडी के एग्जाम में मैंने कल देखा था का क्योंकि सभी लोग बोल रहे थे अल्फाबेट या कोडिंग का सीरीज का बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लगभग 7 से 8 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप प्लीज इस सभी क्वेश्चन को करके ही जाइएगा। यहाँ पर देखिए सीटिंग अरेंजमेंट का एक अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ, 8 मित्र अरविंद प्रिया कुणाल और काजल आशीष महक शुभम रिद्धि एक अष्टभुजाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, तो आपको सीटिंग अरेंजमेंट बिल्कुल टाइम नहीं लेना है कि उसको आराम से बनाइए एग्जाम में, नहीं तो आप इसको एक भी गलत कर देंगे तो आपका ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा, तो इसी प्रकार जैसे मैं बना रहा हूँ उसी प्रकार आप ध्यान से देखते रहिए, आपको बिल्कुल टाइम नहीं लेगा। तो यहाँ पर देखिए पूछा क्या गया, उसको देखिए यहाँ पर देखिए बोला गया है कुणाल जो है महक और आशीष के बीच, मैंने कहा हम कुणाल को यहाँ पर लिख लेते हैं, किसके बीच बोला गया है महक और आशीष, यहाँ पर आशीष को लिख लेते हैं, आशीष को एएसएस और महक को यहाँ पर लिख लेते हैं एम से, उसके बाद देखिए हमें आशीष महक या कुणाल का रिलेशन देखना होगा। यहाँ पर देखिए अरविंद जो आशीष के दाएं ओर, यानी कि आशीष के दाएं ओर किसी स्थान पर तीसरे स्थान पर यहाँ पर आ जाएगा अरविंद, उसके बाद अरविंद का रिलेशन देखते हैं, देखिए यहाँ पर बोला गया है काजल जो है प्रिया और अरविंद के बीच में, अगर हम काजल यहाँ पर ले लेते के जे से तो अरविंद और किसके बीच प्रिया यहाँ पर हो गया तभी तो काजल बीच में हो जाएगी, उसके बाद देखिए यहाँ पर शुभम जो है रिद्धि के बाई ओर, अगर रिद्धि यहाँ पर होगी तभी इसको बाई ओर शुभम हो जाएगा, यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो गया। उसका देखिए पूछा क्या गया रिद्धि और प्रिया के बीच में कौन है, रिद्धि और प्रिया के बीच में देखिए शुभम हो गया, यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया, जो जिनको समझ में नहीं हो प्लीज इसको रिपीट कर लेंगे तभी समझ में आएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर देखिए वेन डायग्राम का एक अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ, देखिए सम चतुर्भुज जो है शिक्षक को निरूपित करता है, यहाँ सम चतुर्भुज का ये वाला पार्ट को टीचर मान ली, उसके बाद देखिए वृत्त जो है समाज से भी, यानी वृत्त वाला पार्ट जो है समाज से भी को हम एस से लिख लिए, उसके बाद पंचभुज जो हम महिलाओं को निरूपित करिए, पंचभुज जो महिला को हम एम से लिखिए, उसके बाद पूछा क्या गया देखिए कितनी महिला शिक्षक समाज सेवी भी है या समाज सेवी बताना, यानी इन तीनों के बीच में कौन आ रहा है, महिला के बारे में बोला गया शिक्षक के बारे में बोला गया और समाज सेवक भी के बारे में, यानी कि तीनों के बीच में यहाँ पर देखिए 10 आ रहा है जो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एनालॉगी का क्वेश्चन देखिए, सुवा का फिजी से वही संबंध है जो हेलेंस्की का होगा, यहाँ पर देखिए फिजी की राजधानी क्या होती है सुवा होती है, उसी प्रकार हेलेंस्की किसकी राजधानी है फिनलैंड की राजधानी हेलेंस्की है।
यहाँ पर देखिए कागज के टुकड़े को मोड़ने के क्रम और काटने के बाद कैसा आकृति बनेगा, तो पहले इसको जूम कर लेते हैं, अब वैसा ही आकृति हम बनाएंगे। यहाँ पर देखिए ऐसी आकृति जो यहाँ पर देखिए सभी पास वाले पास में हो जाएगा, दूर वाले दूर में, यानी कि दो वृत्त यहाँ पर पास में आ गए, उसके बाद देखिए दो वृत्त यहाँ पर पास में है तो पास में हो गया, उसके बाद ये पूरा ये सामने वाला जो है ये दूर में है, तो यानी कि इसके सामने आ जाएगा दूर में, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा दो वृत्त, यानी कि पहला ऊपर वाला तो कंप्लीट हो गया, नीचे में उसी प्रकार ये नीचे आ जाएगा, यानी दो वृत्त यहाँ पर भी पास में हो जाएगा, और उसके बाद देखिए ये दूर में ऊपर में है दोनों, तो यानी कि चार वृत्त जो सामने आमने ऐसा नीचे की तरफ हो जाएगा, यानी कि पूरा कंप्लीट हो गया, तो ऐसा ही यानी कि टोटल वृत्त होना चाहिए। देखिए यहाँ पर टोटल ये ऐसा आकृति है, इधर वैसा आकृति एक साइड इधर हो गया, उसके बाद एक ऐसा आकृति इधर हो गया, यानी कि ऐसा ही आकृति हमें नीचे मिलना है। तो ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पर तो देखिए चार चार आकृति होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो देखिए दो ही आकृति यहाँ पर है, दो ही आकृति, यानी कि फर्स्ट गलत हो गया। सेकंड देखिए यहाँ पर हमने ऐसा ही आकृति बनाया था, देखिए अगर इसको हम बांट दे सभी हिस्सा में तो इस प्रकार ये कुछ इस प्रकार हमने जो बनाया था ऊपर में बिल्कुल ऐसा ही हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा और ये वाला हिस्सा ही ऊपर हो जाएगा, यानी दो देखिए दोनों ये पास में चार को पास में हो गए, ये भी चार पास में, ये भी चार पास में और ये भी चार पास में, यानी कि सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए तीन किसी प्रकार से संगत है और एक असंगत का हमें चयन करना है, तो देखिए P से U कितना बढ़ रहा है, Q R S T U यानी कि प्लस का पाँच बढ़ रहा है, उसके बाद देखिए Y से D कितना बढ़ रहा है, Z A B C D यानी यहाँ पर भी प्लस का पाँच बढ़ रहा है, उसके बाद देखिए T से X कितना बढ़ रहा है, यहाँ प्लस का चार बढ़ रहा है, उसके बाद देखिए B से G कितना बढ़ रहा है, प्लस का पाँच बढ़ रहा है, लेकिन तीसरा ऑप्शन जो यहाँ पर प्लस चार ही बढ़ रहा है, तो यानी कि यही असंगत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सभी का साइन चेंज करना, उसको समीकरण को सॉल्व करना, देखिए जोर का यहाँ पर घटाव बोला गया, घटाव का यहाँ पर गुना बोला गया, गुना का यहाँ पर भाग बोला गया और भाग का जोर बोला गया, तो सभी का यहाँ पर साइन चेंज कर लिया, उसका सॉल्व करते हैं। देखिए चार से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 मरते चल जाएगा और 18 में से 6 घटाएंगे तो 12 हो जाएगा, यानी कितना तो क्लियर हो गया, यहाँ पर 12 मिल गया। उसके बाद देखिए 9 9 81 हो गया, 81 12 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 93, जो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कोडिंग सीरीज का क्वेश्चन, देखिए G से E कितना घटा, यहाँ पर देखिए 2 - 2 घट गया, उसका देखिए E से C यहाँ पर भी 2 घटा, उसका देखिए यानी कि सभी में 2 2 घटा थे, A से 2 घटा देंगे कितना हो जाएगा Y हो जाएगा, Y के बाद कितना हो जाएगा Z A होता है, यानी कि 2 घट गया। उसके बाद देखिए Q से T कितना हो रहा है, RST यानी कि प्लस का 3 बढ़ रहा है, उसके बाद देखिए T से W यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3 और Z से हम 3 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा C हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर लास्ट वाला अक्षर बचेगा T से, देखिए यहाँ पर P कितना घट रहा है, यहाँ माइनस का 4 घट रहा है, यानी कि H से भी हमें माइनस का 4 घटा देंगे कितना हो जाएगा 8 का, H का 8 होता है, 8 में से 4 घटाएंगे 4, 4 का क्या होता है D होता है, यानी कि YCD कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए N के 2 बच्चे, तो पहले यहाँ पर N लिख लेते हैं, N के 2 बच्चे कौन कौन है, S और P थे, S और P N के 2 बच्चे हो गए, उसके बाद देखिए बोला गया है और N की पत्नी J है, N की पत्नी कौन होगी, J को माइनस से लिख लेते क्योंकि इसकी पत्नी है। उसके बाद देखिए जो M की माँ की इकलौती बहन है, यानी कि इस माने कि M जो है कोई, यानी उसकी माँ, माँ को हम यहाँ पर माँ ही लिख लेते हैं, माँ की इकलौती बहन J है, यानी कि इन दोनों ये बहनें हैं। उसके बाद बोलिए देखिए R जो है M के नाना है, यानी कि R के M के नाना कौन है, R, यानी कि R ऊपर में हो जाएगा, यानी कि इनकी दो बेटियां कौन हो गई, J और एक इसकी M की माँ हो गई। उसके बाद देखिए R का N से क्या संबंध है, तो R का N से क्या संबंध हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा ससुर हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसकी बेटी से विवाह हुआ था, यानी कि ये ससुर ही होंगे R, यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द को तार्किक और सार्थक क्रम में यहाँ पर बताना है, तो देखिए फूल फल और पौधा बीज, यानी कि सबसे पहले इसमें से कौन होगा, पहले तो बीज होगा, बीज का क्या है 5 हो जाएगा। उसके बाद देखिए बीज से क्या होता है, बीज अंकुरण लेता है, यानी कि दूसरा नंबर हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंकुरण के बाद क्या हो जाएगा, ये पौधा बन जाएगा, यानी कि 4 नंबर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, पौधा बनने के बाद क्या करेगा, ये फूल लेगा, यानी कि फर्स्ट नंबर हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या बच गया, फूल लेने के बाद ही फल बनेगा, यानी कि तीसरा नंबर हो गया, यानी कि ऐसा किस में दिया हुआ है 5 2 4, यानी कि 5 2 4 यहाँ पर देखिए यहाँ पर पूरी तरह से सेकेंड नंबर मैच कर रहा है जो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, फर्स्ट कथन देखिए सभी नेता पुरुष, यानी कि सभी नेता को हम N से लिख लिए, सभी नेता क्या है पुरुष, पुरुष को हम P से लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए कुछ विद्यार्थी नेता है, यानी कि कुछ विद्यार्थी जो है, ये कुछ विद्यार्थी जो नेता के थोड़ा सा अंदर में, यानी कि विद्यार्थी को हम V से लिख लेते हैं। उसके बाद निष्कर्ष देखते हैं, कुछ विद्यार्थी पुरुष है, यानी कि बिल्कुल हो जाए क्योंकि विद्यार्थी जो है पुरुष के थोड़ा सा पार्ट अंदर में ही आ रहा है, यानी कि फर्स्ट निष्कर्ष सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए सभी नेता विद्यार्थी, यहाँ पर देखिए सभी नेता विद्यार्थी के अंदर में है नहीं है, यहाँ पर कुछ ही पार्ट है, यानी कि दूसरा निष्कर्ष गलत हो गया, यानी कि केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। यहाँ पर देखिए सीरीज का क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए 34 से 37 कितना बढ़ रहा है, प्लस का 3 बढ़ा। उसके बाद देखिए 37 से 42 कितना बढ़ा, प्लस का 5 बढ़ा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 42 से 49 कितना बढ़ा, प्लस का 7 बढ़ा। उसका देखिए 49 से 60 कितना बढ़ा, प्लस का 11 बढ़ा। आप दिख रहा होगा सभी प्राइम नंबर जा रहा है, 3 5 7 11, उसके बाद क्या हो जाएगा, 11 के बाद प्राइम नंबर कितना होता है 13 होता है, तो 60 में 13 जोड़ेंगे तो 73 बिल्कुल दिया, यानी कि 11 हो गया प्राइम नंबर। उसका 11 के बाद कितना होता है,
13 के बाद देखिए 13 यहाँ पर हो गया, सॉरी यहाँ पर 13 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 13 के बाद कितना होता है 17 होता है, यानी कि 17 जोड़ने के बाद देखिए यहाँ पर क्या हो गया 90 हो गया। 90 के बाद 17 के बाद कौन सा प्राइम नंबर होता है 19 होता है। अगर हम 90 में 19 जोड़ देंगे तो कौन सा नंबर आ जाएगा 109 आ जाएगा, यानी कि सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन बनाने के पहले सभी को काउंट करें इसमें कितना लेटर, इसमें 18 लेटर, यानी कि 6 और 3 का पेयर बना लेते हैं। पहले बड़े से चेक कर लेते, देखिए कहाँ पर जाएगा यहाँ पर क्यू के पास जाएगा 6, उसका देखिए यहाँ पर आ जाएगा क्यू, लास्ट में आ जाएगा यहाँ पर, और लास्ट में भी यहाँ पर क्यू हो जाएगा। उसके बाद देखिए सभी को इक्वल करते हैं, देखिए आर के बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर आर, देखिए फर्स्ट में आर था यानी कि आर यहाँ पर हो गया, उसके बाद देखिए यहाँ पर भी आर हो गया, और आर के बाद यहाँ पर ई है यानी कि आर के बाद यहाँ पर ई हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा ई यहाँ पर भी हो जाएगा, उसके बाद देखिए लास्ट में यहाँ एल के बाद क्या है एल के बाद पी है पी यहाँ पर भी हो जाएगा, उसके बाद देखिए एक्स के बाद क्या है एक्स के बाद एल है एल यहाँ पर भी हो जाएगा, यानी कि 2 क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए ई के बाद क्या है ई के बाद यहाँ पर एक्स हो जाएगा, यानी कि सभी क्लियर हो गया। सभी को लिख लेते हैं, पहले हमने लिखे थे ए पी आर ई एल आर एक्स और क्यू, यहाँ पर सभी को इक्वल कर ली है और उसके बाद लिख लेते हैं सभी को, यानी कि फोर्थ ऑप्शन जो पूरी तरह से मैच कर रहा है ई पी आर ई एल एक्स आर क्यू, यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सिटिंग अरेंजमेंट के एक और क्वेश्चन दिया हुआ, 6 मित्र ए बी सी डी ई एफ एक 36 पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, ई और सी के बीच 4 व्यक्ति, तो पहले ई और सी के बीच हमें 4 व्यक्ति बताना था, यानी 1 2 3 और 4 हो गया। उसके बाद देखिए डी जो है ए और एफ के बीच में, यानी कि अगर हम डी यहाँ पर लिख लेते हैं किसके बीच बैठा हुआ है ए और एफ के, यानी ए और यहाँ पर एफ हो गया। उसके बाद देखिए ए जो है ई के दाई ओर, ई के दाई ओर ए बिल्कुल ठीक है। उसके बाद देखिए एफ के बाद क्या हो जाएगा कौन सा बचा हुआ, यानी कि बी हो गया, यानी कि एफ के बाद क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, यहाँ पर बी यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए घन का, यहाँ पर डाइस का क्वेश्चन दिया हुआ है, उन पासों का चयन जिसमें पत्रक सीट को रेखाओं के अनुसार मोड़कर बनाया जा सकता है। पहले विपरीत पता कर लेते हैं, विपरीत क्या क्या होता है, पी का विपरीत यहाँ पर आर हो गया, उसके बाद देखिए यहाँ पर क्यू का विपरीत यहाँ पर एस हो गया, और यू का विपरीत यहाँ पर टी हो गया, और जो विपरीत वाली संख्या डाइस पर आगे वो नहीं बन सकता था। पहले हम किससे चेक करते हैं, यू और टी से चेक कर लेते हैं, देखिए कौन कौन सा में यू और टी, इसमें नहीं है, इसमें भी यू और टी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, यानी कि हमें यू टी तो हो गया क्लियर। उसके बाद देखिए पी और आर से चेक कर, देखिए पी और आर इसमें भी नहीं है, पी और आर इसमें भी नहीं है, और देखिए पी आर इसमें भी नहीं है, इसमें यानी किसी में नहीं। उसके बाद कौन सा बच गया, यहाँ पर बच गया, अब क्यू एस से चेक कर दे, देखिए इसमें भी नहीं है, क्यू और एस इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, यहाँ पर देखिए किसी भी ऑप्शन में नहीं है, यानी कि सभी चारों जो है बन सकता है, तो ऑप्शन वैसा ही होना चाहिए। यहाँ पर ये आंसर जो है पूरी तरह से गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए चारों बन सकता था, यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो ए बी सी डी, यानी कि ये ऑप्शन गलत दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन की जो दी गई आकृति में अंतर निहित, यानी किसी आकृति किस ऑप्शन में निहित बोला गया, तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो सकता है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को, ऐसे प्रकार के क्वेश्चन को आप आराम से ही बनाएगा, सभी एक एक को यहाँ पर डाउट को पूरी तरह से क्लियर करके ही ऑप्शन टिक कीजिएगा। अगर फर्स्ट ऑप्शन मान के चले हम ले लेते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर थोड़ा सा पार्ट जो इसके देखिए यहाँ पर ऐसा है, और ये वाला पार्ट इस तरह कट कर रहा है, यानी कि ऐसा पार्ट देखिए यहाँ ऊपर में, देखिए यहाँ पर ऐसा पार्ट यहाँ बिल्कुल यहाँ पर देखिए स्टार का पार्ट थोड़ा सा कट रहा है ऊपर में भी, ये भी ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर छोटा सा एक त्रिभुज यहाँ पर है बिल्कुल यहाँ पर दिया हुआ है, उसके बाद देखिए एक बड़ा सा त्रिभुज ऊपर से थोड़ा सा हिस्सा है, यानी कि यहाँ पर भी ठीक है, उसके देखिए अंदर से एक छोटा सा रेकरिंग दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पर भी ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर छोटा पाला पार्ट जो इस तरफ ऐसा है, यानी कि यहाँ पर भी ठीक है, और ये रेकरिंग पूरी तरह से ऐसा बन रहा है, यानी कि ये भी ठीक है। और उसके बाद नीचे वाला पार्ट देखिए थोड़ा सा, देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा पार्ट जो नीचे की तरफ, यहाँ पर देखिए ये वाला पार्ट इस तरफ थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन पूरी तरह से मैच करने के बाद फर्स्ट ऑप्शन क्लियर हो गया, यानी कि यही ऑप्शन ठीक होगा, बाकी ऑप्शन सभी गलत हो जाएंगे। यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, फ्राई को 147 लिखा गया, क्रॉप को 208 लिखा गया, तो म्यूजिक को क्या लिखा गया, तो पहले देखिए फ्राई का कितना कैसे लिखा गया, अगर हम सभी को कोडिंग के रूप में लिखते हैं, एफ का कितना होता है 6 हो गया, उसके बाद आर का कितना हो गया 18 हो गया, और वाई का कितना हो गया, वाई का हो गया 25, इन सभी को ऐड करके गुना करेंगे तो 147 आता है कि नहीं, तो कितना हो गया 25 6 31 और 8 हो गया, यहाँ पर 31 8 हो गया सॉरी 39 और 10 49 का हम अगर हम तिगुना करते हैं तभी यहाँ पर 147 आएगा। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए क्रॉप को, क्रॉप का कोडिंग कितना हो गया 3 18 3 21 21 और 15 कितना हो गया 5 26 और 10 36 36 6 हो गया, यहाँ पर 42 42 10 52, उसका 52 का हम अगर हम 4 गुना कर देंगे तो यहाँ पर देखिए 208 आ रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर 4 डिजिट है, यहाँ पर 3 डिजिट है, और यहाँ पर 5 डिजिट, उसी प्रकार हमें उतना ही डिजिट के साथ गुना करना है। तो म्यूजिक में कितना डिजिट 5 और सभी का कोडिंग लिख लेते हैं, तो म्यूजिक का कितना होता है 13 हो गया, उसके बाद देखिए यू का 21 हो गया, एस का 19 हो गया, और आई का 9 हो गया, और सी का 3 हो गया, सभी को ऐड करते हैं, उसके बाद 5 से गुना करना है, तो 9 9 3 12 12 9 21 21 1 22 22 25 5 हासिल 2 कहाँ चल जाएगा, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2 5 और 1 6, यानी कि टोटल 65 हो गया, 65 में हम 5 से गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 50 25 5 हासिल 2 और 5 6 31 और 2 32, यानी कि 325 आ रहा है, जो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
यहाँ पर देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन बनाने का सिंपल सा डायरेक्ट आप ऑप्शन से बना लीजिए, नहीं तो समीकरण बनाएंगे तो आप वहाँ हो सकता है गलत भी हो सकता है, जिनको आता है वो बना लेंगे, नहीं तो देखिए इसको सिंपल हम बना देंगे ऑप्शन से। देखिए फादर हो गया और सन हो गया, उसके बाद बोला गया उसके पुत्र और वर्तमान आयु दोनों का योग 58 वर्ष बोला गया, दोनों का योग जो है 58 वर्ष बोला गया है, और 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 4:1 था, यानी कि 4 वर्ष पहले जो अनुपात था 4:1 अनुपात था, यानी कि हमें कौन सा ऑप्शन मान के चले 38 ले लेते हैं, उसकी बोला गया पिता की वर्तमान आयु यानी कि 38 ले लेते हैं और उसको हमें 58 बनाना है, इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा 20 ऐड करना पड़ेगा और 4 वर्ष पहले जाएंगे यानी इसमें से 4-4 घटाना पड़ेगा, तो 38 में से 4 घटाएंगे तो 34 हो गया और ये इसमें से 4 घटाएंगे 16, ये क्या 4:1 अनुपात में है? बिल्कुल नहीं, यानी कि 38 ऑप्शन तो नहीं होगा। उसके बाद हम 40 ले लेते हैं, मान के चलिए 40 फादर का ले लेते हैं और इसका ले लेते हैं क्या 58 बनाना है, तो यहाँ पर 28 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर इनको हम 4-4 वर्ष घटा देंगे तो 40 में से 4 कितना जाएगा 36 हो गया और ये कितना हो गया 14, या कि क्या देखिए यहाँ पर 4:1 अनुपात में बिल्कुल नहीं है, यानी कि ये भी गलत हो गया। और तो फोर्थ ऐसी प्रकार ऑप्शन से रखते जाइए आंसर मिल जाएगा, तो यहाँ पर 44 ले लेते हैं, अगर हम 44 फादर का ले लेते हैं तो इसका कितना हो जाएगा 14 लेना पड़ेगा। उसका देखिए 4-4 वर्ष घटा देते हैं तो ये 40 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा और ये देखिए 4:1 अनुपात में बिल्कुल आ रहा है यहाँ पर देखिए, यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सीरीज का क्वेश्चन देखिए 14 से 29 कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर देखिए अगर हम इसका दोगुना करते हैं, देखिए 14 दोगुना कितना होता है 28 से प्लस 1 करके 1 लिखा गया 29 लिखा गया, उसके बाद देखिए 29 से 57 यहाँ पर भी देखिए दोगुना है, लेकिन यहाँ पर देखिए 29 का दोगुना 58 होता है, उसमें से 1 घटा दिया गया यानी कि 57 हो गया। उसका देखिए 57 से 115 किस प्रकार, यहाँ पर भी दोगुना है और उसका दोगुना के बाद प्लस 1 है, उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए यहाँ पर -1 दोगुना के बाद -1 यानी कि अगला क्या हो जाएगा प्लस 1 होगा, इसका दोगुना करके यहाँ प्लस 1 यानी कि दोगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 दोगुना 18 हासिल 1 2 दोगुना 4 1 5, उसके बाद क्या हो जाएगा 2 दोगुना 4 यानी कि 458 और उसके बाद प्लस 1 करेंगे क्या हो जाएगा 459 यानी कि सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एनालॉजी का क्वेश्चन देखिए 7 का कितना होता है क्यूब 343 होता है, उसमें से 1 घटा दिया यानी कि 342 लिखा गया है। उसी प्रकार हमें 9 का बताना है, 9 का क्यूब कितना होता है 729 होता है और 729 में से 1 घटा देंगे कितना हो जाएगा 728 यानी कि सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये हाफ जो यहाँ पर वृत्त बोला गया हाफ वृत्त देखिए यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार ये थोड़ा सा घूम गया तो यानी कि ये सीधा हो गया, उसके बाद फिर से ये घूम गया तो यहाँ पर ये थोड़ा सा इधर हो गया यानी कि एक और घूमेगा यानी कि ये कुछ इस प्रकार ये फिगर बनेगा। यहाँ पर देखिए ये ऐसा बनेगा और उसके बाद यहाँ पर एक रेकनिंग है, यहाँ पर 2 है यानी कि 1 यहाँ पर था और उसके बाद यह जस्ट पलट के यहाँ सामने आ गया, उसके बाद फिर से ये इधर आ गया यानी कि अगला में क्या हो जाएगा यानी कि 2 पीछे में 2 रेकनिंग हो जाएगा, तो ऐसा फिगर देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऐसा फिगर यहाँ तो वृत्त तो ठीक है लेकिन यहाँ पर एक ही रेकनिंग ये गलत हो गया, उसके ये भी गलत हो गया, ये तो उल्टा हो गया, थर्ड भी गलत हो गया क्योंकि देखिए यहाँ पर उल्टा दे दी गया, फोर्थ तो ही करेक्ट हो जाएगा क्योंकि देखिए ये वृत्त बिल्कुल इस तरफ से और 2 रेकनिंग पीछे है। यहाँ पर देखिए दर्पण के दाईं ओर प्रतिबिंब रखने के बाद ऐसा कृति की देगा डी इस तरफ से चल जाएगा, अगर देखिए यहाँ पर डी जाएगा तो यहाँ तो बिल्कुल ऊपर की तरफ से बना दिया, ये तो गलत हो गया। उसके बाद देखिए डी जो है बी में बदल दिया, ठीक है ये तीनों ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जी जो है यहाँ पर देखिए जी का पार्ट नीचे की तरफ नीचे ही ठीक है लेकिन यहाँ देखिए ऊपर वाला गया ये तो गलत हो गया, उसके बाद नीचे फोर्थ भी ठीक है। उसके बाद देखिए एम भी दोनों में ठीक है, उसके बाद देखिए एन जो है यहाँ पर पलट दिया गया, यहाँ पर जो यू जो है यू वाला पार्ट जो है यानी कि इस तरफ से यहाँ पर ये दोनों यू ठीक है। उसके बाद देखिए वाई है, वाई को तो यहाँ पर पलट दिया ये गलत हो गया, वाई यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन वाला करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर 25 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, देखिए एस से यहाँ पर टी कितना बढ़ रहा है प्लस का 1 बढ़ा, उसके बाद देखिए एच से आई यहाँ पर एच से जे कितना बढ़ा प्लस का 2 बढ़ा क्योंकि आई और जे होता है। उसके बाद देखिए आई से कितना बढ़ रहा है यहाँ पर एल, यहाँ पर प्लस का 3 बढ़ा क्योंकि जे के एल होता है। उसका देखिए एम से यहाँ पर क्यू कितना बढ़ रहा है एन ओ पी क्यू यानी कि 4 बढ़ रहा है, यानी कि ऐसा ही सीरीज बढ़ रहा है 4, 5 और 6 बढ़ रहा है, यानी कि हमें मुंबई के साथ भी ऐसा ही करना पड़ता है। एम से प्लस 1 करेंगे कितना हो जाएगा एन हो जाएगा, उसके बाद यू से 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा डब्ल्यू हो जाएगा, और एम से प्लस 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा पी हो जाएगा, उसके बाद बी से प्लस 4 करेंगे तो एफ हो जाएगा, और ए से प्लस 5 करेंगे तो एफ हो जाएगा, उसका लास्ट क्या है आई से हम 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा ओ हो जाएगा, यानी ऐसा ऑप्शन किसमें दिया हुआ है फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कोडिंग का देखिए यहाँ पर हॉर्न्स को यहाँ पर देखिए यहाँ पर पलट कर लिख दिया गया सेम टू सेम, यहाँ पर वैसा ही लेटर है इसमें देखिए वैसा ही लेटर है, लेकिन यहाँ पर देखिए सभी का यहाँ पर सबसे बड़े वैल्यू का यहाँ पर सबसे पहले नाम लिखा गया, जैसे कि यहाँ पर सबसे एस में से कौन सा वैल्यू है एस का कितना होता है 19 होता है यानी कि 19 सबसे ज़्यादा है यानी कि एस पहले लिख दिया गया। उसके बाद देखिए उसके बाद क्या है आर का 18 होता है, ओ का 15, उसके बाद एन का 14 और सबसे कम एच का होता है यानी कि उस सभी का बढ़ते यहाँ सबसे बड़े और सबसे छोटे की तरफ लिखा गया है, तो हमें फैक्टर का भी उसी प्रकार बताना है। तो फैक्टर का क्या हो जाएगा इसमें से सबसे बड़ा कौन सा, सबसे बड़ा यहाँ पर हो गया टी, टी के बाद क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, आर के बाद ओ हो जाएगा, ओ के बाद एफ हो जाएगा और सी हो जाएगा ए हो जाएगा, ए का सबसे कम होता है और टी का यहाँ पर 20 होता है यानी कि सबसे बड़े से छोटे तक यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए उस विकल्प का चयन के जिसमें दी गई आकृति यहाँ पर कौन सा आकृति यहाँ पर आएगा, अगर आप देखें इस बॉक्स से इस बॉक्स में कंपेरिजन करते हैं यहाँ पर देखिए वी कट है
और यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी कट, यानी कि अगले बॉक्स में जो यहाँ पर भी जाएगा इस बॉक्स में कट होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो स्टार वाला पार्ट, देखिए स्टार वाला पार्ट प्लस वाला पार्ट कहाँ चला गया, देखिए प्लस वाला पार्ट यहाँ पर ऊपर चला गया इस वाले बॉक्स में, तो यहाँ पर भी प्लस यानी कि ये भी आगे चला जाएगा यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर प्लस का चिन्ह आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर स्टार वाला पार्ट इस तरफ से इधर आ गया, यानी कि यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो पंचभुज है यहाँ पर चला गया, यानी कि पंचभुज वाला पार्ट इस तरफ यहाँ हो जाएगा। और कौन सा बच गया, यहाँ पर देखिए ब्लैक पार्ट जो है यहाँ पर देखिए इस वाले बॉक्स में या नीचे आ गया, यानी कि यहाँ पर जो ये ब्लैक पार्ट जो गोला में है यानी कि ये भी नीचे आ जाएगा, यानी कि यहाँ इस तरफ खड़ा हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन किस में दिया हुआ, ऐसा ऑप्शन हमें खोजना है। यहाँ पर देखिए कट तो ठीक है, यहाँ पर प्लस ठीक है, यहाँ पर पंचभुज भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन जो है, लेकिन यहाँ पर देखिए ब्लैक वाला बॉक्स जो है यहाँ पर इस तरफ से नहीं होना चाहिए, इस तरफ से होना चाहिए ब्लैक पार्ट, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये बस वाला पार्ट में जो था यहाँ पर देखिए ऊपर में ब्लैक था, इसका जिस पलटने के बाद नीचे में ब्लैक आ गया, यानी कि उसी प्रकार इसमें जो ब्लैक पार्ट इस तरफ से यानी कि पलटने के बाद इस तरफ से आया, ये तो गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, सेकेंड ऑप्शन देखिए यहाँ पर कट ठीक है, प्लस भी ठीक है, पंचभुज भी है, और इसके बाद देखिए यहाँ पर ब्लैक पार्ट इस तरफ, यानी कि सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए निश्चित कूट भाजक रैट को यहाँ पर 39 लिखा है, अगर बियर को यहाँ 26 लिखा है, तो यहाँ पर स्नेक को किस प्रकार लिखा जाए, अगर यहाँ पर हम रैट का लिखते हैं कोडिंग, तो आर के कितना होता है 18, ए का 1 और टी का 20, इन सभी को ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 20, 10, 30, 8, 38, 1, 39, यानी कि 39 आ रहा है, यानी कि सेम टू सेम कोडिंग लिखना है। तो एस का कितना हो जाएगा 19 हो गया, एन का 14 हो गया, उसके बाद ए का 1 हो गया, के का कितना हो गया 11 हो गया, और ई का कितना हो जाएगा 5 हो गया, यानी कि सभी को ऐड करेंगे तो 50 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर देखिए सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए डाइस का चयन करना है, यहाँ पर बोला गया कि नहीं दो सीट को मोड़ का बनाया जा सकता है, पहले यहाँ विपरीत देख लीजिए, विपरीत क्या हो जाएगा, 4 का विपरीत यहाँ पर 6 हो गया, 2 का विपरीत 1 हो गया, और 5 का विपरीत 3 हो गया, पहले 5 और 3 से देख लेते हैं, जो विपरीत संख्या आ गया वो नहीं बन सकता है। यहाँ पर देखिए 5 और 3 आ गया, यानी कि ये नहीं बनेगा, उसका देखिए 5 और 3 किसी में नहीं है। उसके बाद देखिए 4 और 6 से चेक करते हैं, देखिए 4 6 किसी में है, 4 6 यहाँ पर किसी में भी नहीं है, यानी कि उसके बाद देखिए उसका कौन सा बच गया 2 1, 2 1 भी किसी में नहीं है एक क्यू पर, यानी कि अब कौन सा बच गया, यानी कि ए बी डी तीनों बन सकता है, तो ऑप्शन ही होना चाहिए ए बी डी। यहाँ पर देखिए ए बी डी नहीं है, यहाँ पर ए और डी दिया हुआ है हमें, तो डी यहाँ पर बी भी चाहिए, तो यहाँ पर देखिए इन दोनों ऑप्शन में भी नहीं है, तो हमें कौन सा ऑप्शन टिक करना पड़ेगा, यहाँ पर सेकंड ऑप्शन टिक करना है, क्योंकि हमें सी तो लेना ही नहीं है, तो केवल कौन सा चीज टिक करेंगे ए और डी, यानी कि सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ए का अर्थ यहाँ पर जोड़ दिया गया, बी का अर्थ यहाँ पर गुना है, सी का अर्थ यहाँ पर घटाओ, डी का अर्थ यहाँ पर भाग है, यानी कि इन सभी में साइन को चेंज करके यहाँ पर सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए 2 पंचे कितना हो गया 10, 10 से डिवाइड करेंगे 90 में तो कितना हो जाएगा 9 हो गया, उसके बाद प्लस, उसके बाद यहाँ पर 4 और गुना है, यानी कि 12 और 10 कितना हो गया 22, 22 चौका कितना हो जाएगा 88, उसके बाद यहाँ पर देखिए माइनस है, उसके बाद 17 में से 10 गया कितना हो गया 7, 7 चौका 28, यानी कि यहाँ पर 28 घटाना है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 88 में से 28 गया 60, और यहाँ प्लस का 9 या कितना हो जाएगा 69, यानी कि सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए उस विकल्प का चयन की जिसमें दी गई आकृति नहीं रहनी, ऐसी आकृति किस बॉक्स में नहीं थे, अगर फर्स्ट ऑप्शन में देखते हैं यहाँ पर देखिए ऐसी आकृति हमें यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में ही लग रहा है, जो यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर देखिए बिल्कुल यहाँ पर मैच कर रहा है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, बाकी कोई ऑप्शन गलत सभी गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है, अरुणिमा जो है ने साहिल से कहा, मान के चलिए यहाँ पर हम साहिल से कहते हैं, साहिल से कहते साहिल को यहाँ लिख लेते हैं, और अरुणिमा को हम यहाँ पर लिख लेते हैं अरुणिमा, तो यहाँ बोला गया तुम्हारे साले, तुम्हारे साले यानी कि साहिल से कहता है तुम्हारे साले, यानी इसकी जो है इसकी क्या हो जाएगा, इसके पत्नी यानी कि यहाँ पर पत्नी होगी, यानी कि वाइफ, और वाइफ का भाई हो जाएगा, यानी कि भाई यानी कि साले की इकलौती बहन, साले की इकलौती बहन कौन हो जाएगा, यहाँ पर उसकी पत्नी हो जाएगा, उसकी पत्नी, उसकी पत्नी की इकलौती बहन का पुत्र, यानी इसका पुत्र इकलौती बहन का पुत्र, यानी उसकी बहन का पुत्र, यानी इन दोनों का पुत्र ही हो जाएगा, यानी कि सन हो गया। उसके बाद देखिए मेरा नाती है, मानी कि इसका नाती है, यानी कि कौन हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाए, इसका अगर नाती हो गया तो यानी कि इसका ये बेटी हो गई, अरुणिमा की बेटी कौन हो गई, इसकी वाइफ हो गई, यानी कि इसके बीच कौन सा रिलेशन हो जाएगा, अरुणिमा की ये दामाद हो जाएगा साहिल, यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ इस क्वेश्चन को, देखिए अरुणिमा ने कहा साहिल से, साहिल से कहता है तुम्हारे साले की इकलौती बहन, यानी कि साला जो है इसके साला जो हो गया, उसकी बहन क्या हो जाएगी, उसकी बहन यानी कि उसकी वाइफ ही हो जाएगी, और वाइफ उसकी इकलौती बहन यानी कि उसकी इकलौती बहन उसकी वाइफ हो गई, बहन का पुत्र यानी कि इसका पुत्र थे उसका दोनों का पुत्र हो गया, यानी कि सन मेरा नाती यानी कि अरुणिमा का नाती है, तो यानी कि क्या हो जाएगी, उसकी वाइफ जो इसकी बेटी हो जाएगी, और ये दामाद हो जाएगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया गया है, 5 मित्र ए बी सी डी ई एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं, ए और बी एक दूसरे के बगल में, तो ए और बी एक दूसरे के बगल में लिख लिए, उसके बाद देखिए बी जो है ए और सी के बगल में, बी जो है ए और सी यानी कि ए और सी के बगल में बी हो गया, उसके बाद देखिए यहाँ पर ए जो है डी के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर, यानी कि डी यहाँ पर होगा तो बाईं ओर तीसरे स्थान पर क्या हो जाएगा, ए हो गया, 1 2 3 यहाँ पर ठीक है ए बैठ गया, उसके बाद देखिए डी दाएँ सिरे से दूसरे स्थान पर, दाएँ दूसरे सिरे पर यानी कि फर्स्ट यहाँ पर एक और हो जाएगा कोई, तभी तो ये दूसरा सिरे पर होगा ना, उसके बाद देखिए यहाँ पर कौन हो जाएगा,
जो बचा हुआ है यानी कि ई बच गया, यहाँ पर ई आ जाए। उसके बाद देखिए बाएं सिरे से तीसरे स्थान पर कौन होगा, बाएं सिरा इस तरफ होगा यानी कि तीसरे स्थान बताना है, एक दो और तीन, तीसरे स्थान पर कौन है, सी है, यानी कि सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए उस विकल्प का चयन कि जिसमें दी गई संख्या आपस में उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार ऑप्शन में होना चाहिए। अगर यहाँ पर देखें 308 कैसे आया है, अगर हम 11 और 7 का गुना कर देते हैं, 11 7 कितना होता है, 11 7 77, और 77 में हम 4 से गुना करते हैं तो 308 हो गया। आप लोग बोले कि यहाँ पर 4 से ही गुना क्यों, आप कुछ कितने से भी गुना कर सकते थे। यहाँ पर देखिए अगर 11 में से 4 में से हम घटाएंगे तो कितना हो गया, 11 से 7 घटाएंगे तो यहाँ पर 4 आ रहा, यानी कि उसी प्रकार हम 4 से गुना किया, वैसा ही ऑप्शन हमें टिक करना पड़ेगा। अगर हम मान के चलिए यहाँ पर देखिए इन दोनों को ले लेते हैं तो 9 8 72, और 72 का हमें कितना करना है, एक गुना, तो यानी कि 72 ही हो जाएगा, लेकिन यहाँ 160 ये गलत हो गया। उसके बाद देखिए 16 6 कितना हो गया, 16 6 96 हो गया, और 96 में हमें कितना गुण से गुना करना पड़ेगा, इसका कितना हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो 10, यानी कि 96 तो 960 हो गया, यानी ये भी गलत हो गया। उसका थर्ड ऑप्शन देखिए 12 और 9 का गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 12 9 कितना होता है, 108। उसके बाद देखिए 12 से 9 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी कि गुणे 3 कितना आता है, 8 3 24 का 4 हासिल 2 और 3, यानी कि 324, यानी कि बीच वाला ऑप्शन मिल रहा है जो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 214 कर्मचारियों वाले एक संगठन में 120 ने क्ले मोल्डिंग में भाग लिया। पहले एक गोला बना लीजिए, यहाँ पर एक बड़ा गोला बना लिए, इसमें क्या है 120 ने है क्ले मोल्डिंग, यानी क्ले मोल्डिंग के एम से लिख लेते हैं। यहाँ पर टोटल कितना है 214 को यहाँ पर साइड में लिख लीजिए। उसके बाद बोला गया है 130 ने पोस्टर मेकिंग में भाग लिया और 36 कर्मचारियों ने दोनों क्ले मोल्डिंग और पोस्टर मेकिंग दोनों में भाग लिया, यानी कि दोनों के बीच ऐसा आ जाएगा, और यहाँ पर 130 यहाँ पर हो जाएगा जो यहाँ बोला गया पोस्टर मेकिंग, इसको लिख लेते हैं, और बीच में कितना है, बीच में 36 हो गया, तो बीच में हम 36 लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ बोला गया है, तो यहाँ पर देखिए यदि प्रत्येक कर्मचारी ने दो गतिविधियों में कम से कम एक भाग लिया तो कितने कर्मचारी ने केवल पोस्टर मेकिंग में भाग लिया, यानी कि इसमें कितने व्यक्ति ने लिया। यहाँ पर 130 में से 36 घटा देंगे तो इसका सिर्फ बच जाएगा, यानी 130 में से अगर 36 हम माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 94 बच जाएगा, यानी कि सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एनालॉजी का क्वेश्चन है, गति का स्पीडोमीटर से वही संबंध है जो वायु दाब का। देखिए स्पीडोमीटर से क्या मापा जाता है, गति को मापा जाता है, वायु दाब किसको मापा जाता है, बैरोमीटर से वायु दाब का मापा जाता है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए वेन डायग्राम का क्वेश्चन दिया है, अनाज चुकंदर और कीवी। यहाँ पर देखिए अनाज तो सिर्फ अलग हो गया, उसके बाद देखिए चुकंदर और कीवी ये दोनों फल है, यानी कि चुकंदर और कीवी जो है ये दोनों फल है, लेकिन यहाँ पर फल वाला कोई ऑप्शन ही नहीं है जो इसके अंदर दोनों अंदर आता, यहाँ तो फल दिया ही नहीं गया, यानी कि ये तो नहीं हो सकता, यानी कि ऐसा ही ऑप्शन होगा जो यहाँ पर करेक्ट होगा, यानी कि देखिए फोर्थ ऑप्शन ऐसा करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए सीरीज का क्वेश्चन, देखिए 21 से 32 कितना बढ़ रहा है, 11 बढ़ रहा है। उसके बाद देखिए 32 से 54 कितना बढ़ रहा है, प्लस का 22 बढ़ रहा है। उसके बाद कितना बढ़ेगा, यहाँ पर देखिए 11 2 22 11 33, यानी कि 33 बढ़ेगा, यानी कि 54 में 33 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, 4 3 7 और 5 3 8, यानी कि 87 बढ़ेगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, देखिए के से एच कितना घट रहा है, यहाँ पर एच के बाद आई जे के यानी कि माइनस का 3 घटा, उसके बाद एच से सी कितना घटा, माइनस का 5 घटा, यानी कि फिर से हमें 3 घटाना पड़ेगा, यानी कि सी से 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी सी यानी कि ए हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर एम से जे कितना घट रहा है, यहाँ पर जे से के एल एम यानी कि 3 घट रहा है, यानी उसके बाद जे से कितना घटा, यहाँ पर देखिए 5 घट गया, अब कितना घटेगा, 3 घटेगा, ई से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा, ए सी मिल गया। और इतना ही सब चेक करते हैं, ए सी कौन सा ऑप्शन है, देखिए फर्स्ट में ही ए सी दिख रहा है, बाकी किसी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए बस यहाँ पर कुछ नहीं घट रहा है, बस पहले 3 घटा, उसके बाद फिर से देखिए 5 घटा, उसके बाद फिर से यहाँ 3 घटेगा, यानी कि इसी प्रकार ये घट रहा है, 3 5 3 इसी प्रकार ये घट रहा है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसलिए आपको एग्जाम में ऑप्शन पर ही ज़्यादा ध्यान बनाए रखना है, जितना जल्दी ऑप्शन मिल जाए और ऑप्शन को टिक करें और आगे बढ़ जाए, नहीं तो अगर पूरा बनाने के लग जाएंगे तो टाइम वेस्ट होगा और आगे पूरा क्वेश्चन आप अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे, तो इसका भी विशेष ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए सिलोलिज्म का क्वेश्चन है, फर्स्ट कथन देखिए, कोई भी लड़की संगीतकार नहीं, यानी कि कोई भी लड़की जो है संगीतकार नहीं, संगीतकार को हम ऐसे लिखते हैं, लड़की को एल से लिखते हैं, यानी इन दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं है। उसके बाद देखिए कोई भी संगीतकार शिक्षक नहीं है, कोई भी संगीतकार जो है ये शिक्षक नहीं है, शिक्षक को हम टी से लिखते हैं, क्योंकि एस लिखे देंगे तो दोनों गड़बड़ हो जाएगा, इन दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं। उसके बाद देखिए सभी सितारे संगीतकार, यानी कि सभी सितारे जो है संगीतकार है, यानी कि सितारे वाला पार्ट जो है यहाँ पर इसके अंदर में आ जाएगा, एस टी से आ जाएगा, यानी कि इसके बीच हम लिख लेते हैं एस टी, क्योंकि सभी सितारे संगीतकार है, संगीतकार को हमने एस लिखा था। उसके बाद देखें निष्कर्ष देखते हैं, कोई भी सितारा लड़की नहीं है, कोई भी सितारा लड़की नहीं, बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए संगीत ही नहीं होगा तो सितारा कैसे होगा, यानी कि फर्स्ट निष्कर्ष सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए कोई भी सितारा शिक्षक नहीं, यानी कोई भी सितारा जो शिक्षक नहीं है, ये भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि संगीत नहीं है तो वह सितारा कैसे हो जाएगा, यानी कि दोनों निष्कर्ष अनुसरण कर रहा है, यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
यहाँ पर देखिए सीरीज का क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए 31 है, 37 है, 41 है, 43, यहाँ पर सभी अब दिख रहा होगा प्राइम नंबर है, यानी 31 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, 37 होता है, 37 के बाद 41 होता है, 41 के बाद 43 होता है, और 43 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आएगा, 44, 45, 46, यानी कि 47 जो प्राइम नंबर आएगा, यानी कि सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 8 एक से 104 किस प्रकार से संबंधित हो, यानी कि 16 से किस प्रकार से संबंधित हो, अगर हम 8 का यहाँ पर कर देंगे स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और हम 8 का यहाँ पर कर देंगे गुना 5 से, यानी कि कितना हो जाएगा 8 पाँच 40 होगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 104 आ जाएगा। उसी प्रकार हम 16 से कर देंगे तो 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 होता है, उसके बाद 16 का यहाँ पर गुना 5 से कर देंगे, 16 पंच कितना होता है 80, अगर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 336, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दर्पण को दाइयों को रखने के बाद प्रतिबिंब कैसा बनेगा, यानी कि ये सभी त्रिभुज वाला पलट इस तरफ से चल बन जाएगा, यहाँ पर देखिए फर्स्ट में त्रिभुज हो गया, बीच वाला ये भी पलट गया यानी कि इस तरफ आ गया, और ब्लैक वाला पार्ट लास्ट से चला गया, और बिंदु वाला पार्ट इस तरफ से चला गया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद देखिए आयत वाला पार्ट इस तरफ, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन पूरी तरह से मैच कर रहा है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन देखिए सभी को यहाँ पर रैंकिंग में सजाना था, फर्स्ट में देखिए 4-3-2 यानी कि हमें 2-3 और 4-3 में से पहले कौन होगा, देखिए सभी में पी आर ओ दिया हुआ है, इतना तो हमें चेक करना नहीं है। उसके बाद देखिए बी और पी और एफ दिया, तो पहले बी वाला पार्ट हो जाएगा यानी कि 2 नंबर हो गया। उसके बाद देखिए 4-1-2 है यानी कि 4 नंबर 1 और 2 यानी 1-2 पहले चेक कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर पी आर ओ है, और उसके बाद देखिए यहाँ पर 2 तो हो चुका है, हमें 4 और 1 चेक करना पड़ेगा, यानी कि 4 नंबर और 1 नंबर, देखिए यहाँ पर जी है और यहाँ पर देखिए एफ है, तो पहले एक एफ वाला पार्ट हो यानी कि 4 हो जाएगा। उसके बाद कौन सा बच गया, यहाँ पर 4 तो हो गया यानी 1 हो गया, अगर 2-4-1 देखते हैं 2-4-1 किस में दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए 2-4-1, बाकी किसी भी ऑप्शन में 2-4-1 नहीं है, तो इतना ही से हमें ऑप्शन मिल गया यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सभी को यहाँ पर फिल करना है, तो पहले काउंट कर लीजिए इसमें कितना लेटर, 15 लेटर, यहाँ 15 का कितना बनेगा 5 और 3 का पेयर बनेगा, यानी कि कितना होगा यहाँ पर 3-4-5, लास्ट में एम आ रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 3-4-5, यहाँ पर भी एम आ रहा है और यहाँ पर भी एम है, तो एम से पहले क्या हो जाएगा, एम से पहले यहाँ यू है तो यहाँ पर यू हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर यू से पहले क्या आ जाएगा, यू से पहले यहाँ पर ए है तो यानी कि यहाँ पर ए हो गया, और ए से पहले क्या है, ए से यहाँ पर देखिए जेड है तो यानी कि जेड हो गया यहाँ पर, और जेड से पहले क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए जेड से पहले यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी जेड हो जाएगा, और उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, जेड के बाद ए है और ए के बाद क्या है एफ है, यानी कि यहाँ पर एफ हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर एफ और एफ हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर ए जेड हो चुका है, एफ के बाद क्या है, एफ के बाद यू हो गया, और यहाँ पर देखिए ए के बाद यहाँ पर भी एफ हो जाएगा, यानी कि सभी फिल कर लिए। उसके बाद लिख लेते हैं ए एफ जेड यू जेड एफ यू, ऐसा किस ऑप्शन में है, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और क्वेश्चन देखिए सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया, और 6 मित्र जो है पी क्यू आर एस टी यू दो पंक्ति में बैठे हुए हैं, प्रत्येक पंक्ति में 3 मित्र बैठे हैं, यानी कि ऊपर में भी 3 मित्र है और नीचे में भी 3 मित्र है, तो हमें उसी प्रकार या दो सीटिंग बैठाना है। यहाँ पर देखिए एस किसी भी पंक्ति के सिरे पर नहीं, यानी कि एस जो है किसी भी पंक्ति के सिरे पर नहीं बैठा हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पर टी जो है आर के बगल में, यहाँ पर हम मान के चलिए हम लिख लेते हैं, यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, यहाँ पर टी लिख लेते हैं, सॉरी यहाँ पर टी लिख लेते हैं, यहाँ पर आर के बगल में, सॉरी यहाँ पर आर लिख लेते हैं, आर जो है और टी बगल में, यानी कि टी यहाँ पर लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर आर जो है यू के विकिरणित बैठा हुआ, यानी कि आर जो है यू के विकिरणित, अगर यू यहाँ पर होगा तभी तो इसका विकिरणित बैठ जाएगा और एक दूसरे के सामने बैठ गए। उसके बाद देखिए पी जो है यू के बाएं और दूसरे स्थान, यू के बाएं दूसरे स्थान पर यहाँ पर पी आ जाएगा, अब कौन सा बच गया, यहाँ पर बोला गया यहाँ पर एस आ जाएगा, क्योंकि बोला गया था एस जो है किसी भी पंक्ति के सिरे पर नहीं आएगा, यहाँ पर एस नहीं होगा, यहाँ पर एस ठीक हो गया। उसके बाद कौन सा बचा हुआ, यानी कि क्यू बचा, यानी कि क्यू यहाँ पर चलाएगा। उसके बाद देखिए पूछा गया गया है दिए गए विकल्पों में से कौन सा मित्र समान पंक्ति में बैठे हुए, यानी कि आर टी क्यू और पी एस यू, कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पर देखिए आर टी क्यू यहाँ पर है और पी एस यू यहाँ पर, तो यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जिनको समझ में नहीं है वो प्लीज़ रिपीट कर लेंगे, समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए एक निश्चित कुटवासा में इंस्पायर को इस प्रकार लिखा गया है, यहाँ पर तो फॉरगिव को किस प्रकार लिखा जाएगा, जैसे इसमें है उसी प्रकार हम फॉरगिव के साथ करेंगे। यहाँ पर देखिए आई से कितना हुआ, जे हुआ, यानी कि प्लस वन बढ़ा, तो हम एफ से भी प्लस वन बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, जी हो जाएगा। उसके बाद देखिए एन से पी कितना बढ़ रहा है, ओ पी, यानी कि प्लस का दो बढ़ रहा है, तो यानी कि हम ओ से भी दो बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, पी क्यू। उसके बाद देखिए यहाँ पर एस से क्या बढ़ रहा है, टी बढ़ रहा है, यानी कि प्लस का वन बढ़ा, तो हमें तीसरा के साथ प्लस वन करेंगे, तो आर से प्लस वन कर देंगे क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। अगर इतना ही से हम चेक करके देखते हैं, जे जी क्यू एस, जी क्यू यहाँ पर जी क्यू एस होना चाहिए, आर है, यहाँ पर देखिए जी क्यू एस यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर टी ये भी गलत हो गया, हमारा बच गया कौन सा, दो और चार बच गया, तो इन दोनों में से सेटिस्फाई करना है। उसके बाद देखिए चौथा अक्षर इसमें देखिए पी है, पी से यहाँ पर टी कितना हो रहा है, क्यू आर एस टी, यानी कि प्लस का चार बढ़ रहा है, तो यानी कि उसी प्रकार हमें यहाँ पर जी के साथ प्लस चार कर देंगे, कितना हो जाएगा, के हो जाएगा, क्योंकि जी के बाद एच आई जी के हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर के है और यहाँ पर देखिए एल है, यानी कि पहले हमें के वाला पार्ट चाहिए, यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एनालॉगी का क्वेश्चन देखिए, जैसे इस प्रकार एच से के कितना बढ़ रहा है,
के आई जे के यहाँ तीन बढ़ा, उसके बाद देखिए के से ओ कितना बढ़ा प्लस का चार बढ़ा, उसके बाद देखिए एन से एस कितना बढ़ा प्लस का पाँच बढ़ा, यानी कि वैसा ही हमें तीन चार पाँच बढ़ाना है। एम पी एस में तो एम से तीन बढ़ा देंगे कितना हो जाएगा सोलह, सो यानी कि तेरह तीन सोलह, सोलह का पी होता है, उसके बाद पी का सोलह होता है और सोलह में चार बैठा देंगे तो कितना हो जाएगा बीस हो जाएगा, बीस का टी हो जाएगा, उसका देखिए एस का उन्नीस होता है, उन्नीस में पाँच जोड़ेंगे तो चौबीस, चौबीस कितना का होता है एक्स का होता है, यानी कि पी टी एक्स कौन सा ऑप्शन है फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखें 24 नंबर क्वेश्चन जिसमें तीन किसी प्रकार से संगत और एक असंगत का हमें चयन करना है। यहाँ पर देखें क्यू से जेड कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर क्यू 17 होता है, 17 से 26 जाना था यानी कि 17 9 हो, यानी कि प्लस का 9 बढ़ा, उसका देखिए एम से भी कितना होता है 13 9 22, यहाँ पर भी 9 बढ़ा, उसके बाद देखिए यहाँ पर क्यू से यानी कि यहाँ पर भी 9 बढ़ना चाहिए और के से देखिए के कितना था 11 11 9 20, यहाँ पर बिल्कुल 9 बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए 17 और 9 यहाँ पर वाई ही दिया गया यानी कि यहाँ प्लस 8 ही बढ़ रहा है, यानी कि तीसरा ऑप्शन ही असंगत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कागज़ के टुकड़ों को मोड़ने के क्रम और उसे काटने के बाद विधि दर्शाया गया था, कागज़ को खोलने के बाद कैसा आकृति देगा इसको पहले जूम कर लेते हैं, कैसा आकृति बनेगा वो हम इसको क्लियर करते हैं। यहाँ पर देखिए पास में एक वृत्त है यानी कि यहाँ पर भी वृत्त आ जाएगा, उसके बाद देखिए यहाँ पर एक वर्ग आ जाएगा क्योंकि ये वर्ग वर्ग पास में आ जाएगा और दूर वाले दूर में हो जाएगा, और यहाँ पर ये वाले पास में होगा वृत्त यहाँ पर और ये वर्ग, जैसे ये दोनों इस तरफ पलटेगा यानी कि यहाँ पर देखिए ये वाला पार्ट इधर नीचे तरह की तरफ चलाएगा, यानी कि दो वृत्त यहाँ पर चलाएगा और ये दो वर्ग जो है यहाँ पर सामने में आ जाएगा, यानी कि ऐसा कुछ बनेगा, तो ऐसा ही ऑप्शन होगा। चलिए नीचे देखते हैं, यहाँ फर्स्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पर दो वृत्त ठीक है, यहाँ पर भी वर्ग ठीक है, लेकिन यहाँ पर वर्ग होना चाहिए और यहाँ पर वृत्त होना चाहिए, यहाँ तो गलत हो गया, उसका देखिए यहाँ पर भी वृत्त ठीक है लेकिन यहाँ पर वर्ग होना चाहिए, यहाँ पर दो वर्ग होना चाहिए, ये भी गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन देखिए यहाँ पर वर्ग दिया हुआ ठीक है, यहाँ पर वृत्त दिया हुआ ठीक है, ये भी वृत्त दिया हुआ और यहाँ पर वर्ग, यानी कि थर्ड ऑप्शन पूरी तरह से मैच कर रहा है, यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।